तो गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार शुरुआत में ही जो है आप ऑटो प्लेयर की गेम प्ले दिखा रहे हो क्यों, ठीक है। तो आप लोग जो है आज की इस वीडियो में रिवेंज गेम प्ले देखोगे, जैसे कि आपने कल के वीडियोस में देखा था, ये उससे भी खतरनाक वाली वीडियोस है, ठीक है। तो मज़ा आप लोग को बहुत ही ज़्यादा आएगा भाई आज की इस वीडियो को देख कर लगेगा कि हाँ भाई ये गेम प्ले है। तो इसके लिए जो है ना मैंने यार बहुत सारे कॉइन्स गंवाए हैं इस वीडियो के लिए, ठीक है, सिंगापुर के लिए। तो इसलिए जो है इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना यार, आप लोगों का डिमांड पूरा गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करे भाई सिंगापुर में गेम प्ले लाओ, सिंगापुर में गेम प्ले लाओ। और आप लोगों को तो पता ही है यार कितने सारे हैकर बड़े बड़े हैं, सभी के सभी हैक यूज कर रहे हैं भाई, जो भी आ रहा है हैक यूज कर रहा है। बी सी बंदे को देखो मैं क्या क्या इसे बोलते जा रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या इसे बोलते जा रहा हूँ भाई, बार बार मतलब हैक लगा करके आ रहा बंदा। उसके बाद देखो उसके साथ क्या करते हैं हम लोग जब मेरे पास ब्रेक आती है तो, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक आप लोगों को गेम प्ले देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा मैं इस वाले बंदे को दिखाता हूँ, ठीक है, ये भी जो है ओपोनेंट जो है हैक यूज़ कर रहा था एंड इन्होंने लीप कर दिया। चलो भाई अब हम लोग गेम प्ले कनेक्ट करते हैं, ओके। हमारे पास कॉइन्स तो अभी बहुत ही कम है, 50 लाख कॉइन्स है, और भी कॉइन्स लॉस होते जाएंगे भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉइन्स जो है लॉस होता है, मैं क्या ही बोलूँ। और सिंगापुर खेलेंगे इस टाइम पर तो यार लॉस तो होगा ही ना कॉइन्स, ठीक है। चलो भाई पहला गेम प्ले हम लोग का कनेक्ट हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हो जो कि आप लोगों ने पहला ओपोनेंट देखा ही था, ठीक है। तो उसी के साथ गेम प्ले कनेक्ट हो चुका है और ब्रेक तो भाई मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। देखो किस तरीके से ब्रेक टू फिनिश करते हैं, किस लेवल का, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। स्ट्रेट कट वाली ब्रेक है, सीधा हम लोगों ने हिट किया एंड लेफ्ट साइड की ओर पॉकेट हो चुकी है। उसके बाद जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस वाली पक्स को थोड़ा सा फास्ट खेलेंगे, ओके। इसको हम लोग फास्ट के लिए कुछ इस तरीके से, और ये बॉटल लेफ्ट की साइड में नीचे की ओर पॉकेट हो गई, ठीक है। एंड इसके बाद इसको फास्ट खेलेंगे, यहाँ से थोड़ा जो है बीच वाली पक्स को रिलीज करने का कोशिश करेंगे, बट अभी देखो पक्स जो है वो गाइस जाके फंस रही है यार। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यार इस कनेक्शन को ना थोड़ा सा सोच समझ के खेलना पड़ता है, ये क्रॉस वाली कनेक्शन, ठीक है। देख रहे हो पक्स भी रिलीज करना है और क्रॉस भी खेलना है और कनेक्शन भी खेलना है, तो बहुत ही हार्ड होता है ये वाली शॉट, ठीक है। लेकिन उसके बाद अभी भी कनेक्शन यहाँ पे देखो, ये सीधा कनेक्शन बन रहा था हम लोग को, और इससे जो है बहुत अच्छा खासा यार पक्स फंस गया। मैंने सोचा यहाँ पे रिलीज होगा बट फंस गया। लेकिन यहाँ पे देखो तुम्हारा यश भाई क्या शॉट खेलता है, यहाँ पे देखो इस शॉट के लिए एक लाइक तो बनता है यार, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही हार्ड शॉट था ये, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करना और आज की इस वीडियो को भाई कम्प्लीटली देखना, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो क्या ही ज़बरदस्त शॉट के साथ जो है हम लोगों ने इस गेम को निकाला, ठीक है। तो पूरा का पूरा गेम जो है वो क्लियर हो चुका है एंड गेम पूरा इजी हो चुका है। यहाँ से हम लोग क्वीन को भी खेलेंगे एंड जो राइट साइड वाली पक्स है वो भी सिंपल है, उसको भी हम लोग सिंपल ही खेल लेंगे, ठीक है। चलो भाई इसको भी हम लोग सिंपल ही खेल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था, नेटवर्क वगैरह इशू हो रहा था, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ भाई कि मेरे सेकेंड चैनल पर, ठीक है, मेरे सेकेंड चैनल पर अभी इंटरव्यू वगैरह चल रहा है जितने भी छोटे क्रिएटर्स है, ठीक है, छोटे क्रिएटर्स या फिर बड़े क्रिएटर्स, आपने चैनल को बहुत ही जल्द ग्रो कर लिया है तो वो भी मेरे चैनल पे इंटरव्यू दे सकते हो। जिसका कंटेंट वायरल नहीं हो रहा है वो भी मेरे चैनल पे जो है इंटरव्यू दे सकते हो। ये मेरा सेकेंड चैनल का लुक और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे लोग जो है इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो जाके आप लोग देख भी लेना कैसा इंटरव्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो किसी वीडियो में 400-500, किसी वीडियो में यानी कि 100-200 प्लस व्यूज आते हैं इस तरीके से, कभी 500-600 तो इस तरीके से व्यूज आते हैं। तो आपका भी जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई यस भाई जो है आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो भी वीडियो कॉल में, आप मेरे से बात भी कर पाओगे एंड जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर पाओगे, भाई चैनल में क्या प्रॉब्लम है मेरा, क्यों नहीं व्यूज आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ए टू जेड मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट करो, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर भी दे दिया है एंड जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर आप लोगों को कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। और ये बंदा तो आपको याद ही होगा जैसे कि इंट्रो में मैंने दिखाया, तो जल्दी से जाओ जिसको भी अपना चैनल से रिलेटेड जो है इंटरव्यू वगैरह देना हो तो कांटेक्ट करो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आपको कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा या फिर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ओके। लेट्स सी गाइस यहाँ पे गेम पे फोकस करते हैं और यहाँ पे फिनिशिंग करना है हम लोगों को, ठीक है। इस वाली पक्ष को थोड़ा सा फास्ट खेलेंगे तो गेम प्ले एंड तक देखना गाइस, तभी जाके आपको मजा आएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे सीन्स हैं जिसको देख के आप इमोशनल भी हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बुरा भी लगेगा। अगर इसको मैं शॉर्ट्स में छोड़ू ना, शॉर्ट वीडियोज़ में, तो आपको इमोशनल हो जाएगा भाई, ऐसा मतलब शॉर्ट्स बनाऊंगा फिर, ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसा चीज़ें जो है हो रहा है यार, आपको देखो आप लोगों को खुद जो है समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे इसको फास्ट खेलते हैं कुछ इस तरीके से, सारे के सारे पक्स रिलीज हो चुके हैं, बड़े एक पक्स थोड़ा बहुत फंसा हुआ है लेकिन उसको भी हम लोग रिलीज कर सकते हैं एक पक्स की मदद से। लेकिन यहाँ पे मेरा स्टोरेज जो है वो फुल हो जाती है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सिंपली से जो है इस वाले गेम को फिनिश करके जो है मैं स्टोरेज पहले क्लियर कर दूंगा, तब फिर गेम प्ले कनेक्ट करूँगा, ठीक है। चलो भाई
इसको क्वीन को खेलेंगे। भाई तुम लोगों को पता नहीं होगा यार, ये सारे गेम रिकॉर्ड करने की वजह से मैंने कितना गेम लॉस किया है, मतलब क्या ही बोलूँ। बार बार ब्रेक भाई ऑटो प्लेयर को मिलता है यार, और वो लोग इजीली फिनिश करके लेके चल जाते हैं। भाई एक ब्रेक अपने को मुश्किल से आता है, वो भी कभी कभी डिफिकल्ट आ जाता है। जैसे कि आपने शुरुआत में देखा, ज़्यादातर स्ट्रेट कट वाली ब्रेक आती है, स्ट्रेट कट कभी कभी मिस हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर चांस तो मिस नहीं होती है। लेकिन जो डिफिकल्ट ब्रेक होती है वो तो मिस होती ही है यार, मतलब क्या ही बोलो, जिससे जो है हम लोग कॉइंस लॉस हो जाता है। अभी यहाँ पे देखो इस गेम को देखो, क्या ही हम लोग फिनिशिंग की ओर लेके जाता है, लेकिन एंड में होता क्या है भाई, जो कि आपको बहुत बुरा लगेगा। यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट शॉट के साथ शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है। बॉटम लेफ्ट साइड की ओर पॉकेट हो चुकी है, इस वाले पक्स को क्रॉस कर लेंगे। टॉप राइट साइड की ओर दो पक्स पॉकेट हो चुकी है गाइस यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, लेकिन बट शॉट जा रही थी भाई परफेक्ट, ठीक है। तो खेल लिया हम लोगों ने, हिट कर लिया। उसके बाद जो टॉप राइट साइड वाली पक्स है इसको जो है ईजिली खेल लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे बीच वाली जो पक्स है इसको क्रॉस खेलेंगे टॉप राइट साइड में, ठीक है, ताकि क्वीन जो है वो रिलीज हो, जितनी भी पक्स फंसी पड़ी है बीच में। ओके, क्वीन भी हम लोगों की पॉकेट हो गई, चलो अच्छी बात है। अभी तक तो यहाँ पे लग रहा था मुझे कि पूरा चीज़ जो है वो क्लियर है, बट यहाँ पे एक शॉट हम लोगों ने गलती कर दी, यहाँ पे दो शॉट पॉकेट हो गए भाई एक साथ। यहाँ पे देखो ये लास्ट वाली पक्स फंस गई, अब हम लोग को यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। ज़्यादा शॉट लगा दी तो भाई ये एक ब्रश शॉट दिख रही थी मुझे, बट हम लोगों ने ये शॉट सेलेक्ट किया और हुआ क्या यार, देखो यही होता है भाई फेयर प्लेयर के साथ। भाई इतना अच्छा करके गेम को लेके जाते हैं, बिना मतलब चोरी के, बिना मतलब फेयर खेल के, पूरा ईमानदारी के साथ, और एंड में जाके ये सीन होता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। ये हर एक फेयर प्लेयर के साथ होता है भाई, ठीक है, अभी के टाइम पे कैरम पूल में। ओके, जो कि मैंने आपको इससे जो है आपको फील हो जाएगा, जितने भी फेयर प्लेयर हैं उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो ये भी ब्रेक टू फिनिश काफ़ी कमाल का है, देखने में मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट ब्रेक है भाई, इस तरीके का ब्रेक मिलता है भाई फेयर प्लेयर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरीके से हिट किया, ब्रेक इजीली हम लोगों का हिट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कनेक्शन देखा तो नहीं जा रही थी, तो मैंने सिंपल इसे क्या किया, इस वाले पक्स को थोड़ा सा फास्ट खेला, एंड यहाँ से बीच वाले पक्स को, बहुत सारे पक्स जो है यहाँ से रिलीज हो गए। लेकिन अभी भी हम लोग को सही पक्स को खेलना है पहले, ठीक है। जो पक्स थोड़ी बहुत फंसी हुई है उसको जो है बाद में खेलना है, ठीक है, उसको निकालने का कोशिश करना है। तो इस वाले पक्स की मदद से हम लोग बीच वाले पक्स को निकालने का कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे जो है अच्छी खासी और भी रिलीज जो है वो हो चुकी है, लेकिन बीच वाली पक्स अभी भी फंसी पड़ी है। खुले हैं बहुत सारे पक्स, उससे हम लोग रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्वीन भी रिलीज हो चुका है, क्वीन को जो है स्लोली बीच से, दोनों ओपोनेंट की जो पक्स है उसके बीच से निकालेंगे बैलेंस खेल के। ओके, यहाँ पे निकाल लिया हम लोगों ने, एक पक्स गई थोड़ी सी फंसी पड़ी है जिससे जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे मैं कनेक्शन देखता हूँ जा रही है कि नहीं, बट थोड़ा सा रिस्क लग रहा था तो मुझे यार इस पक्स को हिट नहीं करना था अभी, ठीक है। तो पहले मैंने सोचा कि बीच वाले पक्स को पहले रिलीज करते हैं। ओके, ये रिलीज हो चुका है एंड सारे के सारे जो बोर्ड है वो क्लियर हो चुका है गाइस, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको जो है टॉप राइट साइड की और बैलेंस के साथ जो है आराम से खेलना, ताकि ओपोनेंट के पक्स को टच ना हो। ओपोनेंट के पक्स को अगर टच हो जाए तो ये गेम मिस हो जाता है और ये ब्रेक जो है ओपोनेंट के पास जो है वो चल जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू बता रहा है, ठीक है, बाकी कोई नहीं। गेम प्ले देखो, एंजॉय करो, मज़ा आएगा आप लोगों को। इसके बाद जो है कायरो पे गेम प्ले है, कायरो गैलरी पे, ठीक है, आप लोगों को वहाँ पे भी जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है इसके लिए, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा गेम प्ले दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सिंगापुर टेबल, न्यूयॉर्क टेबल, मुंबई तो आज दिखाया ही नहीं मैं आपको, सिंगापुर, न्यूयॉर्क एंड कायरो, ठीक है, कायरो लास्ट में दिखाया आप लोगों को। एंड यहाँ पे देखो क्या ही फिनिशिंग होता है, जो आपको देखने में जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे पहले जो इस साइड वाली पक्स को जो है सिंपल खेल लेते हैं, उसके बाद जो ये राइट साइड वाली पक्स है, अभी थोड़ा सा जो है हम लोगों को नेटवर्क इशू बता रहा है, बट ये जो पक्स है पहले इसको क्रॉस खेलते हैं, यहाँ से बीच वाली पक्स को रिलीज़ करने का कोशिश करेंगे, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ गाइस, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इस वाली पक्स को थोड़ा सा फास्ट खेलेंगे। और हाँ गाइस, आज जो है मेरे चैनल पर 3 या 4 बजे तक आई थिंक सेकेंड चैनल पर इंटरव्यू वाली वीडियोज़ आ जाएगी, तो ज़रूर से आप लोग वॉच करना एंड उस चैनल को जाके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाना, क्योंकि वहाँ पर जो है आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। जितने भी लोग हैं जिसको भी यूट्यूबर बनना है या फिर छोटे क्रिएटर है उसका वीडियो वायरल नहीं होता, तो वहाँ पे मैं सारा चीज़ A to Z बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो यार कितना डिफिकल्ट पोजीशन है, लेकिन हम लोग कितने जो है चालाकी से निकालते हैं, इस वाली पक्स को स्लोली खेलते हैं ओपोनेंट के पक्स को ब्रश करके, और यहाँ पे देखो क्या ही शानदार शॉट लगता है हम लोगों का, ठीक है। अभी भी जो है पक्स डिफिकल्ट है, बट इस वाली पक्स की मदद से जो ऊपर वाली कॉइन है उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग क्वीन, ठीक है। तो निकाल लिया हम लोगों ने यहाँ पे, एंड अभी मुझे तो लग रहा है कि क्लियर है पूरा, बट अभी भी जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर सही तरीके से ना खेले तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग का जो सारा पक्स है वो निकल चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे जो तीन पक्ष एक साथ है इसको फास्ट खेलेंगे और ओपोनेंट की जो ऊपर वाली पक्ष है उसको साइड कर देंगे, इधर ला लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको सिंपल खेलेंगे कनेक्शन एंड इसको भी सिंपल खेलेंगे। तो जिसको भी यार इंटरव्यू देना है मेरे सेकंड चैनल पे, वो जल्दी से मुझे कॉन्टैक्ट करो। लिंक मैंने जो है व्हाट्सअप नंबर का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फिर आपको कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा या फिर जो है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो भी चाहिए इंटरव्यू वगैरह चाहिए तो आप मुझे कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय।